क्यों काटेंगे। और फिर जब लिस्ट हम बगल में बैठ के, हमको मालूम नहीं था जो लिस्ट में उनका नाम नहीं, जब उनके नाम नहीं निकला तो हम ममता बनर्जी को पूछा ये क्या हुआ। बोला वो अनुब्रत तो हमारे ऊपर ब्लैकमेलिंग किया, जबरदस्ती उसका नाम दिया, इसका नाम काट दिया, हम क्या करेंगे। हम बोला आप हमारे सबसे बड़े लीडर है, आप क्या करिएगा। बोले नहीं, हमको संभालना पड़ता है सबको, सबको रखना पड़ता है। तो ये अफसोस हमको भी है। हम निजाम भाई को दूसरा दिन बोला, ये अफसोस हमको भी है। ये एक अच्छा आदमी बेचारा किसी झमेला झंझट में नहीं रहता है, वो अपना काम करता था, मगर हुआ जाके उसे टिकट नहीं मिला। हालांकि कोई राजनीति नेता ये नहीं कहेगा, हम नेता नहीं है, बुद्धू है, इसलिए हम ये सब पर उठाते हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं, जो हमारे कोई, हमारे भी कोई ना कोई बंदिश है, हमारे भी कोई ना कोई रेस्ट्रेन है, हम भी जिंदगी में जो चाहते हैं वो नहीं होता है। हम भी पार्टी में बहुत, ममता बनर्जी ने उनके पास में हमें रख दिया, मगर कुछ ना कुछ हमारे अंदर में भी हमारे हाथ बंधे हुए रहते हैं। और ये सब हाथ बांधने वाला भी एक तरफा अगर सोचिएगा, सिर्फ अच्छा काम अल्लाह के हुक्म से नहीं होता, हमारा हाथ भी बांध जहां पर बन जाता है, जानते हैं वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। और जैसे बाप माँ कोई खराब नहीं कर सकता आपको, अल्लाह तो सबसे बड़ा बाप माँ है जो पूरा दुनिया को बना, तो उसके भी कुछ है जो हमें अभी मालूम नहीं होता। अभी हमारा कुछ हो जाता है तो हमें लगता है अरे ये खराब हो गया, अल्लाह हमें ठीक नहीं किया। नहीं, उनके बहुत आगे के हम जो देख नहीं पा रहे वो देख रहे हैं। तो आपका कोई अच्छाई, कोई तरह से आपको अच्छा करने के लिए आज खराब कर रहा है, ये भी परवरदिगार ऊपर वाला का मर्जी से होगा। तो ये हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके एक साथ काम करें। और दूसरा, पाड़ा पाड़ा में, कभी कभी, सब पाड़ा में नहीं, कोई कोई पाड़ा में है जो कुछ हमारे लड़के हैं जो जुनून होता है, उसका एक जोश आता है, जोश से जरूर अच्छा, जोश से बधा रहना ही दरकार है, मगर ऊपर वाला ने होश भी दिया है, वो होश भी दरकार है। हम गर्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हमें एक एक आदमी से ताल्लुक बनाने में कई साल लग जाती है, और आप थोड़ा सा खराब बोल दीजिए वो पूरा जो है खत्म हो जाता है। इसलिए गर्म मत करो, हम कुछ नहीं है, हम लोग और परवरदिगार ऊपर वाला है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ना आपके हाथ में है, ना किसी के हाथ में है। राजेश खन्ना का वो डायलॉग मालूम है ना, हम तो कठपुतली हैं, आनंद तो सच्ची यहां पर वही कराता है, हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं और अच्छाई के लिए वो कराते हैं। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, इंतजार करता हूं, जो हमारे पार्टी के मकसद अवाम के अच्छे के लिए है, इसलिए हम ये पार्टी में, हमारे पार्टी के मकसद हमारे जो है फिरका परस्ती के खिलाफ है, इसलिए हम ये पार्टी में, हमारे पार्टी के मकसद माँ बहन के लिए इज्जत देना है, इसलिए मैं इस पार्टी में, हमारे पार्टी के मकसद गरीब आदमी को खिदमत करना है, इसलिए मैं इस पार्टी में, क्या बात है, जवाब नहीं। और हम लोग सब इसीलिए है, यही मकसद है हमारा, हम सब मिलके अच्छी तरह पोर्ट इलाका और बंगाल को चलाएंगे और कहेंगे ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। जय हिंद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद।